देखिए, जैसे 140 करोड़ भारतीय अपनी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए दे रहे हैं, उनमें एक मैं भी हूं। जैसा मेरे मीडिया के मित्र दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर अपना कमेंट दे रहा है, कोई अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हाल ही में देखें, कोविड के समय जब हमने अपनी स्पेस की पॉलिसी को बदलाव किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, तो 12 महीने से कम समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च करके स्काईरॉड, और वो करके दिखा दिया कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी क्षमता है। अटल टिंकरिंग लैब जो 10,000 देश भर में चल रही है, वहां की अगर आप कभी बच्चों से मिलोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि उन बच्चों की साइंस में कितनी रुचि है। इसीलिए साइंस के भी अलग अलग ऐसी सेंटर्स अटल टिंकरिंग लैब के अलावा भारत सरकार ने देशभर में खोले हैं, जहां पर बच्चों को और विज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। और साइंस कांग्रेस भी हम पूरे देशभर में साल भर में करवाते हैं ताकि उसके साइंस की जानकारी मिले। साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें बहुत आगे ले जा सकता है, और स्पेस के माध्यम से आप देखिए, आपकी इंटरनेट की सुविधा को भी बहुत बल मिलता है, आपको मौसम के रिलेटेड जानकारियां वहां से मिलती हैं, आप स्पेस में अगर अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हो तो आपको इकोनॉमी के रूप में एक नई ताकत अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भी बहुत बड़ी वो दे सकता है। तो चंद्रयान 3 की सफलता के साथ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जुड़ेंगे जहां पे आपके किसानी से लेके, आपके व्यापार से लेके, आपके इंटरनेट से लेके बहुत सारी और ऐसी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। स्पेस के लिए चंद्रयान उनमें से एक आपका उसमें एक बड़ी कदम उस दिशा में आपका है।